हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, हमारी छन छन से मिलिए। हमारी छन छन आज 6 महीने की पूरी हो गई है, तो हमने सोचा आप सब से इनको मिलवा देते हैं। तो देखिए, आपके सामने है और ये अब बैठने भी लगी है। आज हम आए थे मम्मी के यहाँ होली मिलने, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को अपनी प्यारी भतीजी से भी मिलवा देते हैं, और आपकी होली भी अच्छी हो रही होगी। दोस्तों, आप सभी लोग भी जा रहे होंगे, आ रहे होंगे होली मिलने। आपके घर पे भी बहुत सारे लोग आ रहे होंगे, इसी तरह हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि मेहमान सबके यहाँ आ रहे हैं इस टाइम। क्योंकि होली का दूसरा तीसरा दिन है, इसलिए मेहमानों की भीड़ थोड़ा ज़्यादा है। अभी हमको अपने नंद के घर भी जाना है, हम वहाँ भी जाएंगे होली मिलने। एक ही दिन में हम मम्मी के घर और अपने नंद के घर होली मिल के निपटा देंगे, तो हम आप लोगों को पूरा दिखाएंगे। तो देखिए, हमारे ननंद का गांव है, हम लोग अपने ननंद के गांव पहुंच गए हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। ये पूरा गांव है, खुला खुला सा है। यहाँ पर बहुत ठंडी ठंडी सी हवा लगती है, और देखिए यहाँ कितना मैदान है, बहुत फील्ड ही फील्ड है यहाँ पर। तो हमारे ननंद का घर है तो वो गाँव के किनारे पर बना हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे आपको दिखाई देंगे, बहुत सारी हरियाली यहाँ पर नज़र आएगी आपको। इनके यहाँ तालाब भी है, इनके घर के थोड़ी दूरी पर तालाब है, हम आपको तालाब भी दिखाएंगे। और यहाँ पर जंगल जलेबी के बहुत सारे पौधे हैं, पेड़ हैं बहुत बड़े बड़े से, हम आपको सब दिखाएंगे। टमाटर के भी बहुत सारे पेड़ हैं। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा। पहले तो हम अपने नन से मिल लेते हैं, और उसके बाद हम आपको जंगल जलेबी का पेड़ भी दिखाएंगे। दोस्तों, हमारे ननन का घर आ चुका है, और वो देखिए बाहर ही खड़ी हुई हैं। हम लोगों का वेट कर रही थी, क्योंकि हमने आने से पहले इनको फ़ोन कर दिया था कि हम लोग आ रहे हैं, और ये कह रही हैं कि हम बार बार रोड पे देख के आ रहे थे कितनी देर में आप लोग आओगे। तो इतना ज़्यादा ये खुश हुई हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। दोस्तों, हस्बैंड भी हमारे साथ हैं, ये अपने भैया को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो हम सब लोग आ गए हैं अंदर, और ये देखिए हम सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। थोड़ी देर रुकेंगे, 1-1.5 घंटे, और उसके बाद हम लोग फिर से निकल जाएंगे। ये ननंद की बेटी है, तो थोड़ी सी गपशप हो रही है सबके साथ में बैठ कर। और ये हमारे जो ननंद का घर है, उसके बाहर इन्होंने थोड़े से पेड़ पौधे लगाए हैं, फूल वगैरह लगाए हैं, तो हम सब लोग वहीं पे खड़े हुए हैं। इन्होंने थोड़ा सा गार्डन भी बना रखा है, तो हम लोग से कह रही हैं कि देखो हमने पेड़ भी लगाए हैं, क्योंकि हमारा आना नहीं होता है जल्दी जल्दी। और ये देखिए जंगल जलेबी का पेड़ है, जो कि बहुत पुराना पेड़ है। दोस्तों, इसके पीछे तालाब है, आप लोगों को शायद वो दिखाई दे रहा होगा। तो उधर थोड़ा ज़्यादा जंगल है, इसलिए हम अंदर नहीं जाएंगे, हम आपको यहीं से दिखा देंगे, तो आप लोग यहीं से देख लीजिए। और ये जंगल जलेबी का पेड़ है, अभी तो इसमें फूल लगे हुए हैं, अभी इसमें फल नहीं आए हैं, कुछ दिनों के बाद इसमें फल भी लग जाएंगे। खूब तेज़ी से गर्मी पड़ती है तभी इसमें फल लगते हैं। और वो पीछे बांस कोठी है दोस्तों, जहाँ पे बांस लगता है। तो यहाँ पे बहुत सारे बहुत तरह तरह के पौधे हैं। ये देखिए नीम का पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है। यहाँ पे जितने भी पौधे हैं हम आपको दिखा रहे हैं, वृक्ष दिखा रहे हैं, जो ये सब बहुत पुराने हैं, कम से कम 10-20 साल पुराने पौधे ये पेड़ हैं सारे। और अब हम मम्मी के घर से होली मिल के जा रहे हैं। तो ये हमारी बिटिया हैं, जो कि नानी से पैसे ले रही हैं, नानी सबको पैसे बांट रही हैं। मम्मी बैठी हुई हैं और पैसे लिए हैं हाथ में, तो बच्चों को विदाई दे रही हैं कि बच्चे अपने घर जा रहे हैं वापस, तो इसलिए मम्मी सबको पैसे दे रही हैं। और बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं, जो भी पैसे मिलते जा रहे हैं वो अपने पर्स में रखते जा रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, और अब इतनी जल्दी बच्चे आ नहीं पाएंगे, इसीलिए बच्चे पैसे ले रहे हैं नानी से। देखिए सब्जी, सब्जी वाला आया है सब्जी बेचने, तो हमें सब्जी नहीं लेनी है, क्योंकि इसके पास प्याज के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर कुछ और सब्जी होती तो हम लोग ले लेते, लेकिन प्याज के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। सब लोग गेट पे खड़े हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। और देखिए भाभी हमारी खाना बनाने में लगी हुई हैं, ये खाना पका रही हैं, तो रोटी बना रही हैं, पूड़ी भी बना रही हैं। जिसको रोटी खाना है वो रोटी खाएंगे, जिसको पूड़ी खानी है वो पूड़ी खाएंगे, क्योंकि शाम का समय है और शाम के समय ही सब लोग आ रहे हैं वापस। तो मम्मी का कहना है कि सभी लोग खाना खा के जाएंगे, ऐसे कोई नहीं जाएगा, मेहमान भी आए हुए हैं, तो सब लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। खाना खाने के बाद सभी लोग चले जाएंगे, क्योंकि रात के 8:30 या 9 का टाइम हो रहा है, इसलिए सभी लोग खाना खा रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर